एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। पार्वती जी लक्ष्मी जी के महल में पहुंची और वहां के ठाट भाट देखकर पार्वती जी मंत्र मुग्ध हो गई। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को देखा और एक ताना मार दिया। अरे पार्वती, क्या देख रही हो? तुम्हारे पास क्या है? न रहने को ठिकाना और न खाने को दाना। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वर्षों तक धुनी रमाते हैं, उस वक्त तेरा क्या हाल होता होगा? पार्वती जी को यह बात चुभ गई और पार्वती जी सीधे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है और भोलेनाथ के पास पहुंचकर भोलेनाथ से कहने लगती है, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। मान गई, आज नहीं मानूंगी, महल तो बनाना पड़ेगा और कैसा बनाना पड़ेगा सुनो। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम, दास दासियां भरे
देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। प्रवेश करवाने के लिए रावण के पिताजी विसरवाहा जी को बुलवाया और जब गृह प्रवेश हो गया तो भोलेनाथ ने कहा कि ब्राह्मण देवता इतना सुंदर गृह प्रवेश करवाया है, आपकी दक्षिणा क्या है। रावण आगे आया और कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मांग लूं। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, विसरवाहा था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है, जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक ना हिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक ना हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना।